प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। अब इसी मूर्ति को देख लीजिए। जब कलाकार ने इसे रचा तब ये बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पश्चात इसे संभाला नहीं गया। इसके स्वामी ने इसके देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया और अब ये मूर्ति असुंदर लगने लगी। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना होगा। तो देश की रक्षा, परिवार और संबंधियों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभार, ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। तो यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अंजलि बनानी हो। मन बड़ी ही विचित्र कृति है। ये मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनो उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरी करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता है, किंतु ये बंधन एक स्थान पर आके टूट जाता है। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार। दोनों आपस में दुखी रहते हैं किंतु बात कोई नहीं करता। होना ये चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपने चोंच में दाना भरकर लाती, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती, स्वयं भूखी रहकर निस्वार्थ निश्चलता से, और जब संतान के पंख निकल आते हैं वो उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए। इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं, जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर
मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ। वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से, यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवारथी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारथी हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए।